हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ हमारे पास जो कि एक 3 किलोवाट का जो कि जनरेटर है, तो इसके अंदर से दोस्तों जैसे कि करंट नहीं निकाल रहा है। तो यदि आपका जनरेटर के अंदर से करंट नहीं निकाल रहा है या फिर जनरेटर खराब है तो उसको आप कैसे पता कर सकते हो? मतलब जो कि इंजन साइड सही है, मतलब इंजन स्टार्ट हो रहा है लेकिन करंट नहीं निकाल रहा है एंड कभी कभी लो वोल्टेज भी निकल रहा है, तो उस रीज़न में क्या फॉल्ट है आज मैं आपको बताऊँगा एंड उसको सॉल्व करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये रहा जो कि हमारा जनरेटर एंड यहाँ पे दोस्तों जैसे कि इसका नेम है फॉर्गिन 2800, मतलब जो कि इसका 3000 लगभग किलोवाट मेंशन है, बट इसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम आउटपुट जो कि 1600, मतलब जो कि 1.5 किलोवाट तक आप इसके अंदर चला सकते हो। उससे ज़्यादा दोगे तो इसके अंदर ओवरलोड हो जाएगा। ये 2800 जो कि इसका मेंशन है, जो कि नंबर है, ठीक है। एंड इसके अंदर दोस्तों जो कि केरोसिन जो कि 8 लीटर का इसका जो कि टंकी है एंड यहाँ पे और भाई कुछ मेंशन है इसका जो टोटल और जो कि 46 kg एंड बाकी सबको कुछ हमें जो इसे देखने की ज़रूरत नहीं। करंट क्यों नहीं निकल रहा है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, यहाँ पे ओवरऑल दिखा दिया हूँ आपको। इसके अंदर दोस्तों जैसे कि मतलब कस्टमर ने बोला था या फिर जो ख़राब होने का जो रीज़न है, यहाँ पे गणेश पूजा में जो कि फुल DJ बजाया था तो जो कि उसके बाद से बंद हो गया, मतलब स्टार्ट है लेकिन करंट नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद हमने दोस्तों इसके अंदर चेक किया हूँ, जैसे कि इसके अंदर इसका वाइंडिंग है ना वो जो कि जल गया था, तो सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग जल गया था। तो क्यों जला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जल गया था जो स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों हमने इसके अंदर कर दिया हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टिंग नया है एंड रनिंग जो कि पुराना है, मतलब जो कि भीतर वाला जो स्टार्टिंग वाइंडिंग ही बोलते एंड आर्मेचर भी सही है। हम दोस्तों अब देखो सोल्डरिंग भी हमने रिमूव करके चेक किया था, इसके अंदर जो कि इसका आर्मेचर सही है, यहाँ पर डायोड भी है दो, ये डायोड भी सही है, उस साइड भी दो डायोड है, उसके भी दोस्तों आपको चेक करना है, मतलब चेक करना है, ठीक है। वो यहाँ पे भी डायोड दिया जाता है तो डायोड भी सही है एंड अलग अलग दोस्तों मतलब जनरेटर के अंदर अलग अलग टाइप का जो कि ऐसे डायनामो रहता है, अलग अलग जो कि वायरिंग भी रहता है। इसके अंदर एकदम सिंपल वायरिंग है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों रनिंग वाइंडिंग से 2 वायर निकला है, स्टार्टिंग वाइंडिंग से 2 वायर, 4 वायर यहाँ पे देख सकते हो आप। 4 में से दोस्तों रनिंग का जैसे लाल वायर है एंड स्टार्टिंग का जो कि यहाँ पे ब्लू कलर का वायर है, तो ब्लू कलर का जो स्टार्टिंग का वायर अंदर दोस्तों आपको कैपेसिटर लगा देना है जो कि एक 60 mFd का, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि 60 mFd का कैपेसिटर लगा हुआ है एंड यहाँ पे दोस्तों रनिंग के अंदर दोस्तों आपको डायरेक्ट जो कि लोड चला देना है, जैसे कि लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ जो कि ये वाला बल्ब, ठीक है, एंड मशीन वगैरह भी चला के दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे दोस्तों उसका जो कि कंट्रोल वायरिंग है, मतलब वहाँ पे जो कि इसका सॉकेट वगैरह दिया है, ये दोस्तों फुल्ली चाइना मॉडल है, मतलब चाइना से ही ये वाला आया है। क्यों पता है? इसके अंदर एक चीज़ जो कि आप देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो सॉकेट जो कि चाइना का ही है, ये वाला सॉकेट, मतलब इंडिया का होता तो दूसरा टाइप का 5 पिन जैसा होता वहाँ पे बोर्ड के अंदर जिस टाइप का है उस टाइप का, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम इसको चेक करेंगे क्या क्या आपको चेक करना है आपका यदि करंट नहीं निकल रहा है, तो आपको सिंपल सा दोस्तों आपको इसको और इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का एंड रनिंग वाइंडिंग का, एवं रनिंग एंड स्टार्टिंग शॉर्ट है कि नहीं ये भी आपको चेक करना है। तो स्टार्टिंग एंड रनिंग का जो कि कंटिन्यूटी आपका आना चाहिए 2.0, यदि आप इस टाइप का क्लाइमेटर यूज करोगे तो। एंड एवं दोस्तों वैसे देखना तो वाइंडिंग जल गया होगा तो ब्लैक कलर का दिखेगा, वायर का दोस्तों कलर रेड होता है लेकिन यदि जल जाएगा तो वो दोस्तों ब्लैक कलर हो जाएगा। इसका मतलब जो कि इससे पहले जो कि ब्लैक कलर था जो उसका हमने जो कि वाइंडिंग कर दिया तो अभी रेड कलर दिख रहा है, जो कि वाइंडिंग करने का दोस्तों ओके हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सो इसके अंदर आपको कैपेसिटर से चेक करना है, मतलब जो कि कैपेसिटर लगा देना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपका मेन सप्लाई लगा देना है, ठीक है, मतलब जो कि आउटपुट यहाँ से आपका निकलेगा। यहाँ से दोस्तों हमने 2 वायर कनेक्ट करके यहाँ पे अभी कनेक्ट करूँगा, मतलब सब कुछ लूँगा, लेने के बाद दोस्तों अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको चेक करके आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, ये वाला स्टार्ट होके होने के बाद इसके अंदर वोल्टेज आखिर में निकलता है या नहीं। तो इसको दोस्तों चालू करने का तरीका भी कुछ अलग है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यदि आपको नहीं पता होगा तो। तो यहाँ पे कैपेसिटर का वायर जो कि खुल चुका है तो इसको भी हमने यहाँ पे जॉइन कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर थोड़ा टंकी के अंदर पेट्रोल भी रहता है एंड किरोसिन भी रहता है, तो इसको दोस्तों आपको थोड़ा खींचना है, ये वाला लीवर को खींचोगे तो इसके अंदर मतलब पेट्रोल आ जाएगा टंकी के पास, मतलब इंजन के अंदर देख सकते हो गिर रहा है, मतलब ये दोस्तों आपको इसे सूंघ के भी पता कर सकते हो, ठीक है, यदि ये गिर रहा है यानी जो कि इंजन के अंदर चलाया ऑयल। तो अभी दोस्तों इसके अंदर एक चोक है यहाँ पे, इसको दोस्तों आपको ऐसे दबाना है, ठीक है, तो 2 आदमी चाहिए इसको, एक लग दबाना है, मतलब एक ही कर सकते हो लेकिन मेरे पास एक हाथ में कैमरा है, और इसको थोड़ा दोस्तों आपको इसको स्टार्ट कर देना है। तो चलिए हमें इसको करते हैं चालू, नहीं स्टार्ट हुआ, दोबारा से चेक करते हैं, देख सकते चालू हो चुका है, अभी देख सकते बल्ब भी जो कि जल रहा है हमारा, बल्ब देख सकते हो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अभी हम दोस्तों इसका वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाते हैं, तो सिंपल सा इसको हम कर देते हैं वोल्टेज सिलेक्शन में, यहाँ पे
पे जो वायर है ना वहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज 250। ये दोस्तों रेस के ऊपर। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके थ्रू मशीन को अपनी चलाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका वायर को थोड़ा सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इसको दोस्तों बंद करने के लिए ये वाला बटन है, इसको लाइट भी बंद हो गया। ये दोस्तों स्टॉप वाला बटन है, ठीक है। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको मतलब इसका वायर को यहाँ से एक होल से इधर से उस पर लेके इसका कवर को भी लगाएंगे, उसके बाद हम इसको आउटपुट चेक करेंगे और सब मशीन वगैरह लगा के, ठीक है। तो इसके अंदर तो दोस्तों आपको जो कि इसका फॉल्ट था वाइंडिंग के अंदर, ओवरलोड के कारण जो कि वाइंडिंग जल गया था इसका, इसलिए जो कि ये वाला आउटपुट करंट नहीं दे रहा था। यहाँ पे देख सकते जो कि पुराना ही लीड है, कि यहाँ पे इतना ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको दोस्तों थोड़ा सेटअप करते हैं। सो हमने दोस्तों इसका जो कि मतलब इसको सब कुछ सेटअप फिटिंग कर दिया हूँ, यहाँ से जो कि इसका वायर गया है कनेक्शन बॉक्स के अंदर, इसके अंदर जो कि इसका वायरिंग कर दिया हूँ। नॉर्मल वायरिंग है, दो वायर आया है, मैं आपको बता देता हूँ, चार वायर है, दो कैपेसिटर से ब्लॉक है, वो कैपेसिटर के अंदर टेप लगा दिया हूँ, और दो वायर जो कि आया है, एक डायरेक्ट न्यूट्रल के पास और एक जो कि यहाँ पे एमसीबी से होते हुए, एमसीबी तो नहीं, एमसीबी टाइप का जो कि एक स्विच है यहाँ से होते हुए जो कि यहाँ पे आए, ठीक है। सिंपल सा वायर हमने लगा दिया हूँ। अभी दोस्तों इसके अंदर क्या आखिर में फॉल्ट आता है, आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है। सबसे पहले कनेक्शन बॉक्स को आपको खोलना है, खोलने के बाद यहाँ पे चेक करना है एमसीबी ख़राब है या फिर सही है, या फिर यहाँ पे कहीं से वायर तो टूटा हुआ नहीं। ज़्यादातर दोस्तों जनरेटर के अंदर देखा जाता है वायर लूज हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन टाइप होता है ना, वाइब्रेशन की वजह से। नेक्स्ट इसके अंदर हर जनरेटर के अंदर दोस्तों डायोड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर चार डायोड है, किसी के अंदर लंबा सा बहुत ज़्यादा रहता है जैसे कि 40-50, किसी के अंदर सिर्फ चार ही रहता है। तो इसके अंदर चार डायोड है, आपको डायोड चेक करना है। डायोड कभी कभी ओवर मतलब डायोड के ऊपर प्रेशर आता है तो डायोड फट जाता है या फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तभी जो कि आपका वोल्टेज नहीं निकलेगा। एंड नेक्स्ट जो कि इसके अंदर है वाइंडिंग, किसी में अलग टाइप कहते हैं, इसके अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग को आपको चेक करना है। जैसे आप फैन का या फिर मोटर का वाइंडिंग चेक करते हो उस टाइप से आपको चेक करना है। एंड इसके अंदर रहता है एक अल्टरनेटर यानी आर्मेचर, उसको दोस्तों आपको चेक करना है। इतना इस चीज़ है। तो इनमें से जो कि ये वाला इसका वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट आया था, तो हमने इसके अंदर वाइंडिंग कर दिया हूँ, बट मैं उसके बाद ही जो कि मुझे माइंड आया था कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ तो आपके लिए वीडियो पेश कर दिया, ठीक है। अभी दोस्तों हम चेक करते हैं इसके अंदर। तो उससे पहले जो कि हम एलईडी लगा के दिखाए थे, एलईडी आपको शायद डीसी पे भी आपको शक होगा, या फिर ये वाला भी 100 वाट चला के आपको हम दिखाते, ये वाला आखिर में वो पावर सप्लाई निकलता है या नहीं। तो चालू करने के लिए इसको हमने रिजर्व पे लगा दिया हूँ, एंड इसको अभी इसका एक चोक टाइप का है उसको आपको दबाना है ये वाले को, एंड इसके बाद इसको आपको खींचना है। तो चलिए अभी हम इसको खींचते हैं, इसको करते हैं चालू। या नहीं हो पाया, दोबारा से हो गया, अभी चालू हो गया, अभी हम इसको देखो लूज था, ठीक है, यहाँ पे लूज था, इसका अच्छा लूज की वजह से जो कि नहीं जल रहा था, अभी मैं इसको लगा दिया हूँ, देखो अभी ये जल रहा है। इतना ज़्यादा इसका रोशनी देख कर या पता कर देता हूँ, वोल्टेज तो आपको मैंने आपके दिखा ही दिया है। अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये शोर शराबा कर रहा है। ये देखो दोस्तों, मैं अभी मशीन को भी चला के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट एक जो कि चीज़ देखने को मिला, मतलब मुझे बताया था आपको इसका पिन के अंदर जो कि वायर लगाना बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया, इसलिए सॉरी। तो खैर जो भी इसका मीटर ख़राब है, नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज भी बता देता, वैसे मैं तो आपको डिजिटल मीटर के थ्रू चेक करके भी बताया। तो आई होप आपको पता चल चुका है इसके अंदर क्या चीज़ फॉल्ट हो सकते हैं, आपको कैसे चेक करना है। तो आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यदि इसी टाइप से देखना है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।